हाय गाइस, वेलकम बैक टू प्रदीप चैनल नेचुरल ब्यूटी हेज वन। मैं हूँ सीमा। आज मैं आप लोग के साथ में लेकर आई हूँ एलोवेरा से आप अपने बालों को 10 दिन में 2 से 3 इंच लंबा कर सकते हैं। बट पॉसिबल ये उसी से है जो कि आपके घर में प्लांट्स होते हैं। मार्केट वाले एलोवेरा जेल का यूज करेंगे आप तो आपको रिजल्ट जो है वो कम दिखेंगे। इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर प्रेफर करूंगी कि अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है तो आप उसको ही यूज करें, वो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ में शेयर कर रही हूँ एलोवेरा से आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करने का एक ऐसा तरीका जो कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। और हाँ जी, ये बिल्कुल सच है, एलोवेरा से आप 10 दिन में अपने बालों को बहुत ही ज्यादा अच्छे से प्रेप कर सकते हो, घना कर सकते हो, मोटा कर सकते हो। जब आपके बाल 2 इंच लंबे हो सकते हैं तो आप सोचिए कि 1 महीने में आप अपने बालों को कितना इंच लंबा करोगे, 6 इंच। ठीक है, तो अगर आपके बाल इस तरीके से ग्रो अप होते हैं तो आपको आपके बालों में जो डेंसिटी की प्रॉब्लम है, हेयर लेंथ शॉर्ट है आपकी, आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के हैं, थिनिंग हेयर की प्रॉब्लम है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, स्कैल्प में एचिंग की प्रॉब्लम होती है, आपके स्कैल्प हेल्दी नहीं रहती है ना, अनहेल्दी स्कैल्प रहती है, आपके स्कैल्प की जो पोर्स है वो अच्छे से काम नहीं करती है, ब्लड का जो फ्लो है वो भी अच्छा नहीं है, आपके बालों में हेयर स्पटेंस की समस्या है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस पैक से खत्म होने वाली है। आप सभी लोगों के साथ में मैंने कल शेयर किया था स्मूथनिंग हेयर पैक, आप लोगों ने कितने लोगों ने इसको यूज किया, उसके रिजल्ट्स क्या आए, मेरे साथ में शेयर जरूर करें। हमने खुद भी यूज किया था अपने बालों में और मैंने इस टाइम ऑयलिंग कर ली है। ठीक है, तो मैं इसको ऑयलिंग को रखूंगी 2 दिन, यानी कि शुक्रवार, शनिवार और संडे, रविवार तक। संडे को हमारा हेयर वॉश होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर यूज किया है तो मेरे साथ में फीडबैक जरूर शेयर करें कि आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में क्या रिजल्ट्स मिले थे। मुझे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, इतना हैवी बन बन रहा था कि खुद से कंट्रोल नहीं हो रहा था, रबर बैंड से इसको सिक्योर करना पड़ रहा था। ठीक है, बाल अपने आप ही खुल रहे थे। ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई जरूर करिएगा। सेकेंड चीज ये कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। और थर्ड चीज़ ये कि आप चाहें तो हमारे कस्टमाइज हेयर प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत आसान है, और आप चाहें तो हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, एलोवेरा का जो हेयर पैक है, हेयर मास्क है, जो आपके बालों को 2 दिन में 3 दिन में नहीं 10 दिन में 2 से 3 इंच लंबा करने वाला है, तो उसको कैसे बनाना है। ठीक है, सो गाइज, इस पैक को बनाने के लिए, इस मास्क को बनाने के लिए हमें चाहिए एक बाउल, और उसके बाद से आपको चाहिए 4 से 5 चम्मच एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल मेरे पास है, बट अभी इस समय जो टाइम है वो शाम का टाइम है, इसलिए मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर पतंजलि एलोवेरा के साथ में बनाकर दिखा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर डाल दिया है 6 चम्मच या फिर 2 चम्मच या फिर 3 चम्मच के करीब आपका प्याज का जूस। उसके बाद मैंने डाला है 2 चम्मच के करीब आपका कैस्टर ऑयल। ये मैं आप लोग को जो रेशियो बता रही हूँ, ये रेशियो आपके फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए ही बनेगा। आप यहाँ पर 6 चम्मच प्याज का जूस डाल सकते हैं, 3 चम्मच भी डाल सकते हैं, और आपको 3 से 4 चम्मच या 5 चम्मच के करीब एलोवेरा जेल लेना है। मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई है इसलिए मैं इस हेयर मास्क का एप्लीकेशन आज नहीं करूँगी। इस हेयर मास्क का बेनिफिट्स ये है कि आप इसको 15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, एलोवेरा, कैस्टर ऑयल और आपका प्याज का जूस। ये लीजिए, हमारा रेडी है मास्क। सो गाइस, देखा आपने, हमारा जो हेयर मास्क है, जो एलोवेरा का हेयर पैक है, बन करके रेडी हो चुका है। इसको आप लोग रात में लगाएंगे, ऑयल लगे हुए बालों पे भी आप लगा सकते हैं इसको, और आप चाहें तो जो भी आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं उस ऑयल में डाल करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको अपनी आई लैशेज पर भी यूज़ कर सकते हैं, बट अपनी रिस्क पे यूज़ करेंगे। आईब्रो पे यूज़ कर सकते हैं, मेरी रिस्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लैशेज पे इसको आप यूज़ करेंगे, आई लैश लंबी होगी, घनी होगी, काली भी रहेगी, बट इसका जो रिस्क होगा, जो प्रॉब्लम होगी वो आपको झेलना है। इसलिए मैं ये कहूँगी कि आप आई लैशेज पे ना यूज़ करके इसको आईब्रो पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि इसको लगाकर रात में रखना है और मॉर्निंग में वॉश कर देना है, क्योंकि इसमें हमने जो चीज़ें ऐड करी हैं वो आपको पता है, और अगर आप वर्किंग हैं तो फिर आप बिल्कुल भी ऑफिस में लगाकर नहीं जा सकते क्योंकि वो स्मेल करेगा। ठीक है, इस पैक को बनाइए, यूज़ कीजिए, मेरे साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर करें, पॉजिटिव या नेगेटिव, जो भी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। बाय।